नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। जैसे हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया, वैसे ही हमें रिक्वायरमेंट है एक और टेस्ट की, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट वर्ड बड़ा फैमिलियर है, क्योंकि आप आए दिन न्यूज में या फिर डिफरेंट ऐसे इंसिडेंट्स में देखते हैं जहां पे शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ आग तो नहीं लगाना है, लेकिन एक डेटा को रिकॉर्ड करना है, और जिस डेटा को रिकॉर्ड करके एक हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद बच्चों, फाइनली हम इतने एबल हो जाएंगे, हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम अपने जनरेटर के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने हैं, कौन कौन सी एनालिसिस करनी है, हम आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम फिगर वन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक लैब अरेंजमेंट डायग्राम देखते हैं। वैसे इस टेस्ट को हम लैब में परफॉर्म करते हैं, लेकिन लैब में परफॉर्म करते समय स्पेशली इस टेस्ट में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। आइए कैसे क्या होता है सब कुछ समझते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेरे पास अल्टरनेटर का स्टेटर है, और इस आर्मेचर को, स्टेटर को मुझे समहाउ शॉर्ट सर्किट करना है, लेकिन अभी तक मैंने शॉर्ट नहीं किया है। बच्चों, तीन वाइंडिंग्स थी, तीनों वाइंडिंग को मुझे शॉर्ट करना है। अगर मैं इन तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट करूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो शॉर्टेड कंडीशन में तीनों वाइंडिंग के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। अब मुझे अगर इसके करंट को मेजर करना है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या मैं तीनों के लिए अलग अलग एमीटर लगा सकता हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिस इज नॉट अ इकोनॉमिकल वे। उस कंडीशन में बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मार्टनेस ये है कि मैं एक ही एमीटर लगाता हूँ और इसी एमीटर की रीडिंग को लूंगा, क्योंकि बाकी दोनों में भी यही करंट फ्लो होगा जो इस एमीटर की रीडिंग होगी। इसीलिए मैं यहाँ एक एमीटर लगाता हूँ जिसको मैंने A2 मान लिया। अब A1 कौन सा है बच्चों? तो A1 वो एमीटर है जो मैंने फील्ड सिस्टम में करंट को मेजर करने के लिए लगाया है। मैंने रोटर साइड में, हमने स्टेटर साइड में, आर्मेचर साइड में शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी दिस इज शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। यहाँ मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल्स, यानी मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आते हैं। शॉर्टेड होते ही जो उस पाथ की रेसिस्टेंस होती है, हिंड्रेंस होती है, वो कम से कम हो जाती है। ऐसे में बोल सकता हूँ आइडियली वो जीरो के बराबर हो जाती है। जैसे आप आम बोल चाल में बोलते हैं कि रास्ता शॉर्ट हो गया, शॉर्टकट ले लो, क्योंकि शॉर्टकट शॉर्ट हो गया, इसका मतलब ही है कि हमें रास्ता आसानी से पहुंचने वाला मिल गया। सेम ऐसे शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है विद लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और यही रीजन है कि मैंने बोला कि इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम DC सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं, जिसके थ्रू हम एक्साइटेशन देंगे। तो कितनी एक्साइटेशन देंगे, कितना करंट बनेगा, इस करंट को मेजर करने के लिए मैं जिसको मैं फील्ड करंट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बच्चों? फील्ड करंट। तो इस फील्ड करंट को मेजर करने के लिए मैंने एक और एमीटर लगा दिया, और इस एमीटर को मैंने A1 बोला। बच्चों, यहाँ मैं DC सप्लाई दे रहा हूँ और फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ एक स्पेशल मेंशन है जो आप नोट डाउन करिएगा स्टार लगा के। वो मेंशन ये है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो आप रियोस्टेट लगाएंगे, रियोस्टेट की वैल्यू आप अच्छा खासा रखिएगा, मीन्स हाई वैल्यू ऑफ रियोस्टेट, हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रखिएगा। और इसीलिए मैं यहाँ एक दो और लेंथ बढ़ा देता हूँ जिगजैग में, ताकि जिससे हमें समझ में आ जाए कि ओपन सर्किट का कंपैरेटिवली यहाँ हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रखना है। अब आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि सर इसकी क्या जरूरत है। आई होप आप प्रैक्टिकली समझ गए होंगे, इसकी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रखने के पीछे बड़ा सिंपल सा और बहुत प्यारा सा रीजन है। वो रीजन ये है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है बच्चों, जहाँ पे बहुत लो वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन पे ये अपने रेटेड करंट को अचीव कर लेगा। तो अगर आपने रियोस्टेट की वैल्यू हाई नहीं रखी है, तो स्टार्टिंग में ही आपका हेवी करंट फ्लो होगा फील्ड से, और उसकी वजह से ये तुरंत अपने रेटेड करंट को अचीव कर लेगा, तो आप रीडिंग भी नहीं ले पाएंगे और प्लॉट भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं जितना स्मॉलर से स्मॉलर फील्ड करंट हम यहाँ पे यूज करें, उतनी ज्यादा इफेक्टिव, उतना ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग मुझे मिलेगा। तो करंट को लिमिट करने के लिए मुझे यहाँ हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जरूरत पड़ती है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। अब एक दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि सर फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ानी कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको मेंशन करिएगा, नोट्स में जरूर लिखिएगा कि फील्ड करंट की वैल्यू आपको उतनी बढ़ानी है
जितने से ये अपने यानी जो एमिटर रेटिव रीडिंग है ये अपने रेटेड करंट से कम से कम 1.5 या 2 गुना करंट तक अचीव नहीं कर ले। आप होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि रेटेड करंट तो बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, तो आपको रेटेड करंट से 1.5 से 2 गुना करंट तक आपको अचीव कराना है, तब तक आपको फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ानी है, पहला कंडीशन। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट और कंडीशन है बच्चों, वो क्या है, इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका मशीन रेटेड स्पीड पे सिंक्रोनस स्पीड पे ही ऑपरेट होता रहे, रोटेट होता रहे। ये आप सारे कंडीशंस को ध्यान में रख के जैसे जैसे आप फील्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपको स्टेटर के साइड आर्मेचर वाइंडिंग में करंट मिलेगी, और उस करंट को आप शॉर्ट सर्किट करंट के नाम से बोल सकते हैं, जिसको मैंने ISC से मेंशन कर दिया। अब यहाँ आप टेबल एक बना सकते हैं बच्चों, अगर आप लैब में इसको परफॉर्म करेंगे, और वो टेबल होगा फील्ड करंट वर्सेस शॉर्ट सर्किट करंट। फील्ड करंट वर्सेस शॉर्ट सर्किट करंट में आप फील्ड करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, पर स्मॉलर स्मॉलर वैल्यू बढ़ाएगा, वैसे वैसे आपको शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू मिलेगी, IF1 पे IS1, IF2 पे IS2, और ऐसे करके आगे मैं वैल्यूज बढ़ाते जाऊंगा, वैल्यूज करंट के बढ़ते जाएंगे। अब चलिए एक सवाल पूछता हूँ, क्या इसमें भी सैचुरेशन होगा जैसे ओपन सर्किट में होता था? हो सकता आपने कर्व बनाया होगा तो आप बोलेंगे नहीं सर इसमें सैचुरेशन तो नहीं होता। तो नहीं होता, दैट्स ट्रू, पर क्यों नहीं होता? ये इंटरव्यू का IAS लेवल का इंटरव्यू का सवाल है कि होता क्यों नहीं है। तो इसके पीछे बड़ा शानदार रीजन है, और वो रीजन क्या है कि इस टेस्ट में हम जो करंट अचीव करते हैं शॉर्ट सर्किटेड में, उसके लिए मुझे बहुत लो वैल्यू ऑफ फील्ड करंट देना पड़ता है, यानी लो वैल्यू ऑफ फ्लक्स बनाना पड़ता है, और उतने वैल्यू पे मेरा जो कोर है आयरन है वो सेचुरेट नहीं हो पाता, और यही रीजन है कि ये कर्व सेचुरेट नहीं होता, ये कर्व स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। मीन्स जब आप फील्ड करंट और शॉर्ट सर्किटेड करंट का कर्व बनाएंगे, अभी आगे हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये सेचुरेट नहीं होता बल्कि स्ट्रेट लाइन जाता है, क्योंकि यहाँ फील्ड करंट की वैल्यू कम रखते हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है बच्चों, और शॉर्ट सर्किट में तो रेटेड करंट ये चुटकी में मिल जाता है, क्योंकि हिंड्रेंस है नहीं, कोई रेसिस्टेंस है नहीं उस पाथ में, लोड है ही नहीं, शॉर्टेड कर दिया, सबसे आसान रास्ता कर दिया। तो इस डेटा को आप रिकॉर्ड करके प्लॉट करेंगे, और इसलिए मैंने लिमिट किया था कि मैक्सिमम 200%, वरना उससे ज्यादा करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपकी वाइंडिंग यानी इंसुलेशन फेल होने लगेगी, हीट होने लगेगी, वाइंडिंग जल जाएगी। तो आइए बच्चों इस डेटा के हिसाब से हम शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस फील्ड करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, और एनालाइज भी करते हैं कैसे हम इन डेटास को यूज करके सिंक्रोनस इंपेडेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मुझे 2 एक्सिस की जरूरत है। अब आप ही मुझे बताएंगे वो दोनों एक्सिस कौन से होंगे। तो स्वाभाविक है ये दोनों एक्सिस वही होंगे जो डेटा मैंने रिकॉर्ड किया था, और वो डेटा मैंने रिकॉर्ड किया था सबसे पहले लिया था मैंने फील्ड करंट जिसको मैंने वैरी किया था, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दिस इज कॉल्ड फील्ड करंट, और इस फील्ड करंट को मैं इंक्रीज करते रहूंगा। और सिमिलरली दूसरा जो डेटा लिया था वो था शॉर्ट सर्किटेड करंट का, जो मेरा एमिटर E2 ने मेजर किया था, क्योंकि यहाँ जो स्टेटर का साइड है वो कैसा है बच्चों, वो शॉर्ट सर्किटेड है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब है हमने इसके तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया। अब मुझे जो फील्ड करंट मिला और जो मैं ISC डेटा रिकॉर्ड किया E2 से, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा बच्चों, और वही ग्राफ मेरा कहलाता है शॉर्ट सर्किट कर्व, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये ग्राफ कैसा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा या फिर बीच में सैचुरेट होगा? तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। एक और डिफरेंस है इस ग्राफ में, वो क्या है, नॉर्मल जो ओपन सर्किट का ग्राफ था वो आपके वोल्टेज एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंटरव्यू लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओपन सर्किट का जो ग्राफ था वो वोल्टेज की तरफ इंक्लाइन था, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट का ग्राफ है वो करंट की तरफ, फील्ड करंट की तरफ थोड़ा इंक्लाइन होगा, और इसमें कभी भी सेचुरेशन नहीं होगा। मीन्स मैं इस ग्राफ को ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस ग्राफ इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शॉर्ट सर्किट कर्व। तो बच्चों ये फील्ड करंट वर्सेस
आपका शॉर्ट सर्किट करंट का कर्व है जो आप आसानी से लेबोरेटरी में डेटा को रिकॉर्ड करके आप एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड करंट पे आप चाहे तो आप अपने शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें सेचुरेशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें फील्ड करंट की वैल्यू लो होती है और उतने लो वैल्यू पे सेचुरेशन नहीं आता। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।